हेलो क्लास प्लस टू, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म इस चैप्टर की, दैट इज वेपर प्रेशर। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे इस चैप्टर के हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ, बहुत से टर्म्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर को सिंपली हमने ये नहीं ले लेना, दैट इज प्रेशर ऑफ वेपर्स। टर्म क्या रेफर करती है? प्रेशर ऑफ वेपर्स इन इक्विलिब्रियम, दिस इज अ मेन टर्म। प्लस वन में भी इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, समझा था, तो वही टर्म को हम यूज कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ वेपर्स इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो इस चीज को दोबारा से समझते हैं कि किस तरह से ये है। लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह के लिक्विड होते हैं, वेल नोन है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल विच फॉर्म वेपर्स एट लो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ही वेपर की फॉर्मेशन दे दे, उन्हें हम वोलेटाइल कहते हैं। मीन्स वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स। बहुत सी एग्जांपल है, जैसे आपने सुना है पेट्रोल, डीजल, इनको ओपन नहीं छोड़ते। व्हाई? बिकॉज इजिली ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। परफ्यूम्स आपके पास एग्जांपल है, तो अ नंबर ऑफ आपके पास एग्जांपल है। तो क्लियर है व्हाट इज वोलेटाइल लिक्विड? और जो वेपर्स, जो लिक्विड्स वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल। इसके भी एग्जांपल लाइक ग्लिसरीन, तो ये आपने माइंड में रखने हैं। अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल कोई भी रेफर कर सकते हो, अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके पास हैं। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स हमारे पास क्या होते हैं। तो हमने क्या करना है वेपर प्रेशर को समझने के लिए? लेट सपोज इट इज अ क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर ही लेना है, तभी वेपर प्रेशर समझ आएगा। तो इसके अंदर हमने एक कंटेनर ले लिया विच हैज वोलेटाइल लिक्विड। इसको अब हमने किसी भी टेम्परेचर के ऊपर रख दिया। लेट सपोज नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने इसको रख दिया। धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू में वेपर्स ज्यादा मात्रा में होंगे, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर या वेपर्स ज्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। तो शुरू में इवेपोरेशन के कारण वेपर्स ज्यादा मात्रा में बन रही है, बहुत सारे आपके पास वेपर्स बन गए। यदि वेपर्स ज्यादा मात्रा में बन जाए तो वो एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो क्या होगा, वहां पर वो कंडेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मेनली आप घर में देखते हो कि किसी भी लिक्विड को, गर्म लिक्विड को आपने ढककर रख दिया, जब उसको थाली को या प्लेट को हटाकर देखते हैं तो हमें क्या अपीयर होता है? उसके ऊपर बूंदे पानी की लगी हुई होती हैं। व्हाई? बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड। तो यहाँ पर भी यही होगा, जब ये आपस में स्ट्राइक करेंगे विद द लिक्विड सरफेस स्ट्राइक करेंगे या फिर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर स्ट्राइक करेंगे, तो ये चेंज कैसे हो जाएंगे? फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। जैसे जैसे वेपर्स ज्यादा होंगे तब जाकर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसे हमने क्या नाम देना है? कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हम दो प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, वन इज इवेपोरेशन, दैट मीन्स लिक्विड चेंज इनटू वेपर, एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन, वेपर चेंज इनटू लिक्विड। शुरू में इवेपोरेशन ज्यादा था, धीरे धीरे करके कंडेंसेशन आ गया,
वन टाइम ऐसा आ जाएगा व्हेन इवेपोरेशन का जो रेट है दैट बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। आ भी सकता है जैसे जैसे इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए फिर दूसरे की प्रोसेस स्टार्ट होगी उस तरफ मात्रा बढ़नी शुरू हो जाए, तो वन टाइम कम जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मीनिंग क्लियर है, जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होंगे उतने वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट होंगे, इसको हमने नाम क्या देना है, व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू कंडेंसेशन उसे क्या नाम देना है हमने, इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये प्रोसेस जब ऑब्टेन हो जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, उस समय आपने वेपर का प्रेशर कैलकुलेट करना है, वो आपके पास क्या आएगा, वेपर प्रेशर। क्लियर? अदरवाइज पहले क्या है, कभी प्रेशर बढ़ रहा है कभी कंडेंसेशन के कारण कम हो रहा है, एक फिक्स वैल्यू आपके पास नहीं आ रही। फिक्स वैल्यू कब आती है, व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम माइंड में रखना, उसी के बेसिस के ऊपर वेपर प्रेशर एक्सप्लेन करना है, दैट इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे पास उन्होंने क्या रेफर किया हुआ है, देयर इज ए नंबर ऑफ फैक्टर, उनमें से कुछ फैक्टर हम लेकर चल रहे हैं। फैक्टर्स, तो फर्स्ट हमारे पास रेफर कर रहे हैं नेचर, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मीनिंग क्या है कि लिक्विड के अंदर किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ पकड़े रहेंगे स्ट्रांगली, दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इन टू द वेपर फॉर्म, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है? अगर वीक हुई उनके इनसाइड की बॉन्डिंग, जैसे पेट्रोल और डीजल के पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अल्कोहल में वाटर के कंपैरिजन वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वहां पर क्या मिलेगा हमें, दैट इज हाई वेपर प्रेशर। तो जितना हमारे पास इंटरमोलिकुलर, इसको ऐसे याद कर लेंगे हम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो इस तरीके से हमने इसको याद करना है। सेकेंड फैक्टर है दैट इज नोन एज टेम्परेचर, ये सब आप बेटर जानते हो कि जितना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें वीक हो जाएगी, टूटनी शुरू हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स और भी हैं, हमें यहां पर इन दो की ही मेन जरूरत है, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकेंड इज टेम्परेचर, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारी चैप्टर की मेन टर्म्स हैं उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट आउट ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन व्हिच हैज हाई वेपर प्रेशर एंड व्हाई। क्लियर? तो लेट्स सपोज हियर इज जस्ट ओनली वाटर, प्योर सॉल्वेंट, और दूसरे में हमने उसमें शुगर, आपको पता ही है दैट डजंट चेंज इन टू द वेपर, ऐसा सॉलिड है विच वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, तो लेट सिंपल सी एग्जांपल है, हमने इसमें ऐड कर ली शुगर विच इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। शुगर के मॉलिक्यूल सारी जगह पर आपको पता ही है प्रेजेंट होंगे, दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस।
अभी इस केस में ये जो वाटर है सरफेस फिनोमिना है, आपको पता है इवेपोरेशन, जिसके कारण वेपर प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर सारे ही हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं, दे कैन इजिली चेंज इनटू द वेपर फॉर्म। क्लियर? जितने भी मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पर वाटर भी है और साथ साथ में सरफेस के ऊपर शुगर भी प्रेजेंट है, तो लेट यहाँ पर तो वेपर बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। तो आप जैसे देख रहे हो कि इसमें सरफेस को नॉन वोलेटाइल सल्यूट ने कवर अप कर लिया, जिसके कारण इसमें वेपर कम बनेंगे, एज ए रिजल्ट वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो आउट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, सोल्यूशन जब भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे तो दैट कंटेन नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नॉन वोलेटाइल क्लियर है आपको नाम, विच कांट बी कन्वर्ट इंटू वेपर। तो दोनों में से वेपर प्रेशर किसका हाई आएगा? सॉल्वेंट का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने माइंड में रखना है। अब ये राउल्ट्स लॉ क्या है इसको समझते हैं। ये समझ तभी आएगा जब आपको वेपर प्रेशर अच्छी तरह से समझ आ गया हो। तो दोबारा से हम वेपर प्रेशर के ऊपर ही चल पड़ते हैं। लेट सपोज वी हैव टू कंटेनर्स, एक में हम सॉल्वेंट रख लेते हैं, सॉल्वेंट को हम शुरू से ही सपोज क्या कर रहे हैं ए, दूसरे को सल्यूट, उसको हम नाम क्या दे देते हैं बी। लेट दोनों ही लिक्विड हैं, सॉल्वेंट तो लिक्विड होता ही है, सल्यूट में भी सॉलिड और लिक्विड। लेट सपोज यहां पर मैंने जो भी लिया है सल्यूट, दैट इज लिक्विड, दोनों का ही नेचर वोलेटाइल है, ये आप मानकर चल रहे हो कि दोनों ही वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल क्लियर है अब आपको? तो वोलेटाइल है मीन्स दे कैन फॉर्म वेपर्स। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, इसको हम प्योर रेफर करते कर सकते हैं, और यहां पर भी सिर्फ सल्यूट है तो इसको भी मैंने क्या रेफर कर दिया प्योर, और ये इसके क्या है वेपर प्रेशर। क्लियर? ये इसका क्या होगा वेपर प्रेशर, और इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट ए उसको हमने नाम दे देते हैं इट्स वेपर प्रेशर को, दैट इज पी नॉट ए। तो ये फिक्स ही होगा, हर एक का अपना वेपर प्रेशर फिक्स होता है इफ दैट इज अकर इन द प्योर स्टेट। तो इसका जो वेपर प्रेशर है उसको हमने नाम क्या दे दिया P not A, it is said as not P not A, pure pressure, clear? Secondly, उसी तरह से इसको हम नाम दे देते हैं that is P not B, no mixing, बिल्कुल pure, that is fix, इसमें क्या आ गया P not B। अब हमने इन दोनों का solution बनाना है, तो दोनों liquid को हमने कर दिया mix। मिक्स शब्द जब आ जाता है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट प्योर। तो अब इसमें दोनों की ही प्रेशर बन रही है, दोनों का ही वेपर प्रेशर बनेगा, दैट मे बी पी ए पी बी पी ए पी बी लाइक दिस, दोनों चीजें मिक्स है तो दोनों का ही वेपर प्रेशर होगा। आप उस ओनली एंड ओनली ऑफ पी ए ओनली एंड ओनली ऑफ पी बी नहीं कह सकते, दैट इज अ मिक्स फॉर्म में है, रिएक्ट नहीं किए, दोनों है अलग अलग ही, मतलब डिसॉल्व हुए हैं, लेकिन उनका अपना अपना वेपर प्रेशर होगा। तो अब हम उसके लिए पी नोट ए टर्म यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली नोट, ये जो हम टर्म रेफर कर रहे हैं पी ए, ये क्या होगी हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और पी बी सिमिलरली टू दिस वन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। समझ रहे हो? पार्शियल मीन्स अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के किसी पार्ट का वेपर प्रेशर, नॉट प्योर। तो अब अगर ये हमारे पास समझ आ गया तो यहां से ही रॉल्ट लॉ ने अपनी टर्म दी थी। रॉल्ट लॉ ने क्या कहा था कि ये जो वेपर प्रेशर होता है जिसे हम कह रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। क्लियर? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए
या एनी कंपोनेंट किसके इक्वल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो अगर ए है तो ए की टर्म दे देंगे, बी है तो ऑब्वियसली बी की टर्म दे देंगे। एक्स इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन। अब पिछले लेक्चर में भी कर चुके हो तो ये हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनल की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आती है, तो कांस्टेंट टर्म हमने पहले भी किया कि ये फिक्स वैल्यूज होती हैं, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है तो इसकी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी और ये फिक्स रहेंगी, तो ये हमारे पास लॉर्ड लाने एक्सप्रेशन दिया था। दिस इज लॉर्ड्स लॉ विच सेज दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये आपने माइंड में रखना है। ये हमारे पास एफ एम रोल्ट ने ला दिया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी के बेसिस के ऊपर फर्दर हमारे पास सल्यूट वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, ये ला दो पार्ट्स में आप स्टडी करोगे। सेकेंडली ये जो ला है दिस इज जैसे आप पहले कर चुके हो, हमारे पास इस लेसन में मेन टर्म क्या आ रही है? बाइनरी सोल्यूशन। तो हम दो ही चीजें लेकर चलेंगे, वन इज सल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए लॉ फर्स्ट विच इज फॉर वोलेटाइल लिक्विड। रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। अब दोनों वोलेटाइल हैं तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर होगा तो वही टर्म जो आप बेसिकली इसके लिए करके हटे हो क्या रेफर करेंगे? इट सेज दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ये सॉल्यूशन क्लियर है, बाइनरी होगा, दो ही कंपोनेंट आपने लेनी है, दोनों के दोनों वोलेटाइल आपने लेनी है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, चाहे आप प्रोपोर्शनल वाली टर्म दे दो या इक्वल वाली, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, क्लियर, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इसमें हमारे पास वही टर्म आ जाएगी, पी ए क्या आएगा? पी नोट ए एक्स ए, पी बी क्या आ जाएगा? पी नोट बी एक्स बी। क्वाइट सिंपल, वही जो रॉट लॉ ने दिया था वही टर्म ही हम वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए यूज कर रहे हैं कि जो भी उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद इट्स मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है रॉट लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये नोट हो गया। अब हम सेकेंड लॉ इसका कर रहे हैं, राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले डायग्राम में से समझते हैं, हमारे पास सॉल्वेंट है दैट इज लेट वोलेटाइल है, और जो सॉल्यूट है वो हमारे पास अब क्या कह दिए? नॉन वोलेटाइल। तो उसका कोई वेपर प्रेशर होगा, वेपर बनेंगे, जब नॉन वोलेटाइल है तो ऑब्वियसली है नो वेपर, नो वेपर प्रेशर। और अब इसमें से सिर्फ किसके बनेंगे? पी ए के।
तो हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म, दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ये इतना क्यों लिखा, क्योंकि सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, वो तो वैसे ही इसके अंदर पड़ा है, उसने कोई वेपर फॉर्म नहीं कर दी। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है, सॉल्वेंट के कारण। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। इसको हम पी टोटल का नाम दे देते हैं, पी सॉल्यूशन का नाम दे दो, किसके इक्वल होगा, पी ए के। और पी ए हमने क्या किया था, पी नॉट ए एक्स ए, इट मीन्स पी टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। क्लियर है, ये हमारे पास राउल्ट के दो नाम हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, इसको अच्छी तरह से समझिए। आई हैव डन इट विद माई मैक्सिमम एफर्ट। और अगर कुछ नहीं समझ आया कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।